इनके वजह से बहुत अच्छा रिस्पांस रहा, हमें बहुत अच्छा काम दिया इन्होंने, इसके कारण हमने इसको आज प्रमोट भी किया। 85% जो है बैंक लोन करता है और 15% आपको अपनी जेब, मेटाडोर आपकी आयशर की खरीदनी है किसी को तो उसमें जेब में कितने पैसे होने चाहिए? 4.5 से 5 लाख के वक्त में प्राइवेट फील्ड एक बड़ा एसेट हो सकता है इलाके के, क्योंकि बेरोजगारी जो है बेरोजगारी उरूज पे है, खास करके हमारे बिल्कुल सबको तो नौकरियाँ मिल नहीं सकती। जो पावर प्रोजेक्ट में काम करते थे इनकी गाड़ी ली हमने, अच्छी चली, 2 महीने हो गए उसको। नमस्कार आदाब, मैं अर्जुन आपका द डेली हिंदुस्तान न्यूज़ में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जी हां, इस वक्त मैं ज़िला डोडा के एक बहुत खूबसूरत इलाके में, और इलाका चिराला का है, और चिराला का सिवा नाम की जगह है जहां पर इस समय हम पहुंचे हैं। और मेरे साथ यहां पर आयशर कंपनी के कुछ अधिकारी हैं जो आयशर कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं और यहां पर अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। पहले भी हम आयशर कंपनी की बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट आप तक पहुंचा चुके हैं और उस गाड़ी के रिजल्ट जो हैं वो काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं पूरे ज़िला डोडा के अंदर। तो आज हमें चिराला आने का मौका मिला है, हमारे साथ अमजद साहब हैं जो कि आयशर के साथ काफ़ी वक्त से जुड़े हुए हैं। अमजद साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है, इस चिराला के खूबसूरत इलाके में आप पहुँचे हैं, क्या मुद्दा था यहाँ पर आने का? आज आप आयशर कंपनी को यहाँ पर प्रमोट कर रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ, डेली हिंदुस्तान का। हम यहाँ इसलिए आए थे, हमारे यहाँ चिराला का एक लड़का हमारे साथ कुछ अरसे से काम कर रहा है, हम बेसिकली उसको भी प्रमोट करने आए थे और यहाँ के लोगों से ये बात करने आए थे कि हमारे साथ जुड़ जाए, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है और हमारी कंपनी की गाड़ियाँ ले लें आप, उनमें आपको बहुत बेनिफिट है, गाड़ियाँ भी अच्छी है। अभी हमने लगभग 150 से 200 गाड़ियाँ दे दी, ठीक है, और सबका रिस्पॉन्स अच्छा ही है, बेरोज़गारी बहुत है, इसलिए बेरोज़गार थे लोग तो 150-200 लोग हमसे जुड़ गए। हम चाहते हैं और भी 150-200-500 लोग हमारे साथ और जुड़ जाए, गाड़ियां ले, अपना रोज़गार चलाएं, अपना घर परिवार चलाए। हमारा यहाँ काम करता है एजाज अहमद, यहाँ चिराला का है, इसको हम प्रमोट करने आए थे, यहाँ हमने पार्टी वगैरह रखी थी। मैं देख रहा था कि एक युवा लड़का है यहाँ का, इसी इलाके का रहने वाला है, उन्हें इनाम भी मुझे आप देते हुए नजर आए, मेडल आप उनको दे रहे थे। लोगों के मन में सवाल रहता है कि गाड़ी अगर आप दे रहे हैं बैंक से वो फाइनेंस होती है, अपने जेब में कितना पैसा होना चाहिए गाड़ी निकालने के लिए? सर, इसका 85% जो है बैंक लोन करता है और 15% आपको अपने जेब से देना है। फर्ज करो अगर आपकी गाड़ी 100 रुपए की है तो 15 रुपए आपको देने हैं, 85। फर्ज करें अगर एक मेटाडोर आपकी आयशर की खरीदनी है किसी को तो उसमें जेब में कितने पैसे होने चाहिए? 4.5 से 5 लाख रुपए होना चाहिए जेब में। जी सर, 15% मिनिमम उसको डाउन पेमेंट है, 4.5 से 5 लाख जेब में होना चाहिए तो मेटाडोर मिल जाएगी। तो बैंक में लोगों को जो है एक और दिक्कत रहती है कि वहाँ पे गारंटर ढूंढे जाएंगे, तो उसमें आप क्या करते हैं, गारंटर वहाँ देने ही देने? असल में जिसका बैंक से रिलेशन अच्छा होता है तो बैंक उसको बगैर गारंटर के भी लोन करता है, वो एक CGTSME स्कीम है, उस थ्रू बैंक करता है, उसमें कुछ परसेंटेज के हिसाब से उसमें इनको फीस वगैरह पे करनी पड़ती है ईयरली 10 से 12 हज़ार। जिसका बैंक से रिलेशन अच्छा होगा तो उसको बैंक बगैर गारंटर के भी जेके बैंक लोन देता है। अब जो फर्स्ट टाइम बैंक में जाएगा बैंक से 30 से 40 लाख लोन मांगने के लिए, तो बैंक इतना जल्दी उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकता, इतना जल्दी बगैर गारंटर के उसको लोन नहीं दे सकता। अभी जिन जिन बैंकों से हम लोन कर रहे हैं, अच्छा है, बैंक का भी सिस्टम अच्छा है, बहुत सपोर्ट हमें बैंक भी कर रहा है, बैंक के सपोर्ट से, लोगों के सपोर्ट से हम यहाँ पहुँचे हैं, ठीक है। अगर बैंक हमें सपोर्ट नहीं करता तो हम कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा जो है बैंक से ही सिस्टम रहता है और लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, बैंक जाना है, बैंक मैनेजर को पूछना है, वो दे नहीं रहा है या ऐसा कुछ है। बहुत दौड़ धूप करनी पड़ती है लोगों को गाड़ी लेने के लिए, इन लोगों को क्या कोई होम डिलीवरी का वाला सिस्टम है, ऐसी सुविधा कोई है? पहले जब मैंने हमारे ऑफिस की ओपनिंग थी शायद लास्ट टाइम तब आप भी थे, उस टाइम हम जम्मू से गाड़ी देते थे। अब हमने अभी कुछ टाइम पहले हमारा जो MD है कंपनी का, मुझे उससे बात हुई है, अब हमारा काम जो होम डिलीवरी, आपको सिर्फ अपने नियर बैंक आना है, सिग्नेचर करना है, अपना गारंटर मार्जिन वगैरह जो भी है वो लेके आना है, बाकी आपको जम्मू जाने की जरूरत नहीं, आपको गाड़ी आपके घर में मिलेगी। मेरे साथ यहाँ एक लोकल है, यहाँ के सरपंच भी हैं, मैं आपका सबसे पहले नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम इखलाक हुसैन मीर है, मैं एक सरपंच हल्का पंचायत सुनाठावा का हूँ। तो देखिए, आपने भी देखा आज यहाँ पर ये आयशर कंपनी के जो अधिकारी जो लोग यहाँ पर आए हुए थे, और आपके एक युवा को मैं देख रहा था कि प्रमोट किया गया यहाँ पर, आपके इलाके का लड़का है, किस प्रकार का एक सोच मन के अंदर आती है अगर आपके इस प्रकार के छोटे उम्र में जो है प्राइवेट फील्ड में कोई अच्छा कर रहा हो, तो आपके इलाके की तरफ से क्या रिस्पॉन्स रहता है, दिल में क्या सोच आती है? देखिए सर, आज जो हमने यहाँ पे देखा, जो इन्होंने प्रोग्राम यहाँ पे रखा, इसमें यहाँ हमारे इलाके एक छोटा लड़का है जिन्होंने, जिनको इन्होंने प्रमोट भी किया
और ये कुछ अरसे से इनके साथ काम कर रहा है, प्राइवेट कंपनी है, तो हम बहुत ही ज़्यादा खुश हुए। मैं उसकी सबसे पहले मुबारकबादी देना चाहूँगा, ये जो ईश्रम कंपनी के हमारे डायरेक्टर हैं इनको मुबारकबादी देना चाहूँगा और इस लड़के को मुबारकबादी देना चाहूँगा कि जो बाकी यहाँ के इलाके के लड़कों को एक दिशा दिखा रहा है कि अगर बेकार भी है आदमी तो कुछ ना कुछ करना है, कैसे करना है, वो एक रास्ता दिखा रहा है बच्चों को। तो इस बात से बहुत ही खुश हुआ मैं आज कि यहाँ के जितने भी युवा हैं, जितने बेरोजगार बच्चे हैं, तो उनको कुछ ना कुछ अगर प्राइवेट कंपनी में ही कोई ऐसा काम करने के लिए मिलता है तो वो करना चाहिए, जो कि मिसाल है आज हमारे यहाँ इलाके की इस लड़के की। इन्होंने इसको यहाँ पे मेडल भी दिया और इससे हम सब इलाके के लोग जो है खुश हो गए। ये मेरी पंचायत का लड़का है, मेरा एक गाँव पड़ता है लोहारठवा, सबसे पीछे अगर देखेंगे आप इस इलाके का सबसे पीछे गाँव है वो लोहारठवा। अगर लोहारठवा का बच्चा इनके साथ जुड़ गया और अपना जो है अपना एक फ्यूचर जो है आगे के लिए वो बढ़ा रहा है, तो मैं बाकी भी यहाँ के इलाके के जितने भी हमारे युवा है मैं सबको ये मतलब यहाँ मैं ऐसी दावत देना चाहूंगा कि ऐसी कंपनियों के साथ जुड़ें और बेरोजगारी जो है वो दूर हो जाएगी। यहाँ पर कुछ कस्टमर अगर हैं तो मैं उनसे बात करना चाहूंगा। आपने गाड़ी ली है इनकी? हाँ जी सर, हमने इनकी गाड़ी ली है, 20 फुटी गाड़ी ली है। हम पहले बेरोजगार थे, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में काम करते थे, इनकी गाड़ी ली हमने, अच्छी चली, 2 महीने हो गए उसको, बहुत अच्छी चली, माइलेज भी अच्छी देती है, 5 और 6 की माइलेज भी देती है और अच्छी गाड़ी भी है। कहीं ना कहीं आपका घर चल रहा है अब? हमारा घर बिल्कुल अच्छे से चल रहा है सर, बढ़िया से चल रहा है। क्या अच्छा काम है, एक बेरोजगार को क्या चाहिए, एक रोजगार चाहिए, जो हमारे अमजद साहब ने दिया, हम इसका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल, ये कुछ ग्राहक हैं जिन्होंने आयशर की गाड़ी जो है वो ली है और जिससे वो अपना रोजगार चला रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आयशर के साथ बाकी लोग भी, जो खास करके चिराला में हम आए तो चिराला के लोग भी जुड़ेंगे और इस गाड़ी को प्रेफर करेंगे और अपने प्राइवेटाइजेशन फील्ड में जो है आगे बढ़ेंगे और अपना रोजगार चलाएंगे। उम्मीद करते हैं कि अमजद जैसे और अमजद के साथ काम करने वाले और भी युवा आगे आएं और प्राइवेटाइजेशन फील्ड में बच्चों को एक मौका मिले और एक रोजगार मिले। देखते हैं डेली हिंदुस्तान में, अर्जुन ठाकुर, चराला डूडा, जम्मू कश्मीर।